हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार। वेलकम ऑल ऑफ यू इन द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय राजस्थान डिफेंस एकेडमी चूरू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नवोदय सैनिक स्कूल मिलिट्री और आरएमसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो मैथ्स में आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसके बारे में बात करें। नंबर सिस्टम का मतलब आप नंबर्स के बारे में जानेंगे, नंबर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको जानना है पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला टॉपिक आपका क्या रहेगा, नेचुरल नंबर का रहेगा। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, यानी आपको लिखना है दोज नंबर विच आर यूजेज इन काउंटिंग ऑफ थिंग्स, यानी जो नंबर किसी भी थिंग्स को काउंटिंग करने में काम लिया जाते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं, आपके नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। या इसको आप यू मान सकते हैं, और दोज नंबर विच आर स्टार्ट फ्रॉम वन इज कॉल्ड नेचुरल या पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर और ए पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले आपको जानना है कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं या नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी आपको क्या करना है कि वे नंबर जो किसी भी थिंग्स की काउंटिंग करने के काम आते हैं। इस मान लो आपको कोई थिंग्स काउंटिंग करनी है तो आप ऐसे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे, तो इसलिए आपके सारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। तो एग्जांपल के स्वरूप आप इनको ऐसे लिख लेंगे, एग्जांपल यानी 1 2 3 4 5 6 ये, या आगे और भी चलते रहेंगे तो ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके नेचुरल नंबर कहलाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अगला पॉइंट हमारा रहेगा उसमें हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में। अब जो अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका है जीरो। देखो जीरो के बारे में क्या रखना है, जीरो ऐसा नंबर है जिसके बाद में आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। यानी कोई भी जब आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो जीरो के बाद में जो आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो उन काउंटिंग से जो फर्स्ट नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका जीरो कहलाएगा। यानी आपको लिखना पड़ेगा जीरो इज ए स्टार्टिंग नंबर फ्रॉम नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर से आपके पास जो फर्स्ट नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, यानी जीरो कहलाएगा। और जीरो को आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखना आपको, यानी जीरो आपके पास क्या हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद जो नेक्स्ट अगला पॉइंट आपका रहेगा उसके बाद में आपको याद रखना है कि जो वॉल नंबर की बात करेंगे आप, वॉल जो नंबर होते हैं आपके उसके बारे में याद रखना है कि दोज नंबर विच आर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। यानी जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके वॉल नंबर कहलाते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो आप क्यों ले सकते हैं, एग्जांपल के अनुसार से जीरो आ गया 1 2 3 4 5, ये सारे क्या रहेंगे, आपके वॉल नंबर रहेंगे। उसके बाद देखो आपको याद रखना है कि जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं आपके, एक तो देखो होते हैं हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर और एक होते हैं निगेटिव इंटीजर। तो आपको देखो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा निगेटिव इंटीजर। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत में लिखाया था पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो तो आपके क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर है वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके पॉजिटिव इंटीजर ही कहलाते हैं। जबकि जो नेगेटिव इंटीजर है ये क्या होते हैं, यानी नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। और इनको आप यू मान सकते हैं, एग्जांपल के स्वरूप जैसे मान लो ये नंबर आपके मतलब कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, ये डैश फिर -3 -2 -1, ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके नेगेटिव नंबर कहलाएंगे।
तो ये तो आपने पढ़ा पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, जीरो, होल नंबर, यहाँ तक इनके बारे में। अब जो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है वो देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में आता है। तो आप देखिए अगला पॉइंट है इवन नंबर और ऑड नंबर। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ मैं इवन नंबर। तो देखो इवन नंबर क्या होते हैं आपके, विच नंबर आर एंड फ्रॉम 0, 2, 4, 6, 8 या इसको आप ये मान सकते हैं और डिविजेबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। यानी जो नंबर आपके जिसके एंड में क्या आता है 0, 2, 4, 6, 8 आता है, या जो नंबर आपके 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं आपके इवन नंबर कहलाते हैं। इनको आप देखो लिख सकते हैं एग्जांपल स्वरूप, जैसे मान लो आप जैसे आपने दिया 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे क्या कहलाएंगे आपके जो इवन नंबर है वो ये कहलाएंगे। और उसके बाद में जो अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा, चलो 0 ने लिखो तो बाद में आप 2 से इसको स्टार्ट कर लो 2, 4, 6, 10 से, ठीक है ना। तो ये सारे आप क्या कहलाएंगे जो इवन नंबर है वो कहलाएंगे। अगला था आपका नेक्स्ट ऑड नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स अगला जो नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा वो रहेगा ऑड नंबर्स के बारे में। अब देखिए जो ऑड नंबर कौन से होते हैं तो इसके बारे में आपको लिखना है विच नंबर आर एंड ऑन 1, 3, 5, 7, 9 और नॉट डिविजेबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। यानी ऐसे नंबर जो एंड कहाँ पर हो 1, 3, 5, 7, 9 या जो 2 से क्या हो डिविजिबल नहीं हो वो नंबर क्या कहलाते हैं ऑड नंबर कहलाते हैं। और ऐसे नंबरों के अगर आप एग्जांपल की बात करें तो इनको आप देखो यूँ मान सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 तो ये सारे क्या होते हैं आपके ऑड नंबर होते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगला पॉइंट आपका आता है रेशनल नंबर के बारे में। तो इसमें याद रखना है विच नंबर आर इन पी अपॉन क्यू फॉर्म बट क्यू नॉट इक्वल 0। यानी ऐसे नंबर जो आपके पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो बट क्यू नॉट इक्वल 0 हो वे नंबर क्या कहलाते हैं आपके, वे नंबर रेशनल कहलाते हैं। सो ये लिख दो देन दोज नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसे नंबर सारे क्या कहलाएंगे रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब देखिए अगर आप इसके कुछ एग्जाम्पलों की बात करें तो देखो एग्जाम्पल आप इसके यू लिख सकते हैं, जैसे मान लो मेरे पास हो गया 1/2, 3/4, -5/6, 3/2 या मान लो 6/1 या मान लो 0/5 या मान लो 7 ये सारे के सारे नंबर क्या हैं आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। ध्यान रखना ऊपर 0 से लेकिन कभी भी अपॉन में 0 नहीं हो सकता, यानी डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू कभी भी आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इरेशनल नंबर। तो आपको लिखना है इरेशनल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स जो इरेशनल नंबर होता है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर आपके रेशनल नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं सारे इरेशनल कहलाते हैं। यानी विच नंबर दोज आर नॉट रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म।
यानी ऐसे नंबर जिनको आप पी एफ और क्यू फोर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं, यानी दोज नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। और इसके अगर आप एग्जांपलों की बात करना चाहें तो देखो ऐसे नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो ऐसे रूट के नंबर सारे हो गए जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे मान लो रूट टू है, रूट थ्री है, रूट फाइव है, रूट सिक्स है, रूट सेवन है, ये सारे सारे के आपके इरेशनल नंबर हैं। इनके अलावा देखो आप और भी अगर नंबर बात करें तो जैसे आपका मान लो पाई हो गया, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। इसके अलावा मतलब ऐसा डेसिमल एस्टिमेशन जो आपका नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग हो, जैसे मान लो 1.30300300, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी क्या कहलाएगा, आपका एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब इरेशनल के बाद में अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट अगला पॉइंट आपका आता है वो एक छोटा सा, देखो इसमें आप चार्ट है, उस चार्ट को आप समझ सकते हैं और उस चार्ट में आपकी सारी बातें आ जाएगी, तो चार्ट देखिए आप सारी। तो देखो अब एक छोटा सा, देखो आपको इस चार्ट के बारे में ये सारी बातें आपकी समझ में आएगी। सबसे पहले देखिए आपको नंबर के बारे में, नंबर होते हैं हमारे पास, नंबर कैसे भी हो सकते, देखो नंबर आपके दो टाइप के हो गए, एक टाइप के तो हो गए आपके पास इमेजिनरी नंबर और दूसरे टाइप के नंबर हो गए आपके पास कौन से, रियल नंबर। देखो नंबर में तो देखो आपके पास कुछ भी, जैसे मान लो रूट टू आ गया, वन आ गया, 3.5 आ गया, जैसे मान लो आइटा आ गया, जैसे मान लो रूट में -2 आ गया, ये सारे तो क्या आपके नंबर है, ठीक है। नंबर में कोई कैसा भी नंबर आपके पास आ सकता है। अब देखो सबसे पहले देखो नंबर आपके दो पार्टों में डिवाइड होंगे, एक तो होंगे आपके इमेजिनरी और एक होंगे आपके रियल। इमेजिनरी में देखो कौन कौन से आते हैं, जो रियल नहीं होते हैं वो आते हैं, ध्यान देना। इसमें क्या आते हैं आपके रूट के ऐसे नंबर जिसमें रूट के अंदर क्या हो, माइनस लगा हो, रूट के अंदर माइनस, जैसे मान लो रूट में -3 है, ये सारे आपके किस में आएंगे, इमेजिनरी नंबर में आएंगे। और देखो रियल नंबर में क्या आएंगे आपके, इसमें आपके सारे आगे, मान लो रूट टू आ गया, पाई आ गया, 1.5 आ गया, ये सारे क्या आपके रियल नंबर, ठीक है ना। और उसके बाद अगर बात करें तो रियल नंबर देखो आपके यहाँ पर दो टाइप से हो जाएंगे, एक तो हो गया आपके इरेशनल और एक हो गया आपके रेशनल। अभी मैंने आपको समझा है कि इरेशनल नंबर है उनको आप पी एफ और क्यू फोर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, जबकि रेशनल नंबर है उनको आप पी एफ और क्यू फोर में कर, मतलब इरेशनल जो नंबर है उनको तो आप पी एफ और क्यू फोर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि रेशनल है उनको आप पी एफ और क्यू फोर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो इरेशनल में तो आपके क्या आ गए, रूट टू आ गया, रूट थ्री आ गया, ये ऐसे नंबर जो आपके वो किस में आ जाएंगे, इरेशनल नंबर में आ जाएंगे। जबकि रेशनल में क्या आएंगे, जिनको आप बिल्कुल पी एफ और क्यू फोर में लिख सकते हो, जैसे मान लो 2 है, -1/2 है, 3/4 है, ये सारे नंबर आपके किस में आ जाएंगे, रेशनल नंबर में आ जाएंगे। उसके बाद में रेशनल नंबर जो है वो भी आपके देखो दो पार्टों में डिवाइड में है, एक तो आपके हैं इंटीजर की फॉर्म में, एक आपके हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। इंटीजर की फॉर्म का मतलब है यहाँ पर जो नंबर आएंगे वो बिल्कुल कंप्लीट आएंगे, मान लो मेरे पास 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, -6, ये ऐसे नंबर आ गए, ठीक है ना। फ्रैक्शन में क्या आएंगे आपके, ऐसे पी एफ ऑन क्यू फोर में लिखे आएंगे, ये सारे क्या आएंगे आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में आएंगे। तो रेशनल नंबर आपके दो फॉर्म में हो गए, एक तो इंटीजर की फॉर्म में हो गए और एक हो गए फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसके अलावा देखो जो इंटीजर होते हैं वो आपको थ्री फॉर्म में दे रखे हैं, एक तो होते हैं आपके नेगेटिव, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं जीरो। देखो नेगेटिव वालों की अगर आप बात करें तो आप जानते हैं, मान लो -3 है, -2 है, -1 है, ये सारे क्या आपके नेगेटिव नंबर है। और पॉजिटिव की अगर आप बात करें, जैसे मान लो मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये सारे क्या आपके पॉजिटिव। और जीरो में क्या होता है, जीरो होता ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो पॉजिटिव भी आपके देखो क्या है, कुछ अलग प्रकार से पॉजिटिव आपके हो सकते हैं। जैसे एक तो नेचुरल नंबर आपके वो क्या पॉजिटिव है, जैसे मान लो मेरे पास हो गया 1, 2, 3, 4, ये सारे जो नेचुरल की फॉर्म है वो भी आपकी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। एक आपके जो ओल्ड नंबर है उनकी फॉर्म में क्या होते हैं आपके, ये पॉजिटिव नंबर। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये जीरो से होते हैं, 0, 1, 2, 3 ओल्ड नंबर आपके यहाँ से स्टार्ट है वो हो जाएंगे। अब देखो जो ओल्ड नंबर है उनको भी आप देखो फिर से ना चार कैटेगरी में इनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक इसमें होता है आपका इवन, एक होता है ओल्ड, एक होता है प्राइम, एक होता है कंपोजिट। इवन का मतलब मैंने आपको अभी समझाया था कि जो नंबर आपके 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 आदि,
और ओड का मतलब जो नंबर आपके टू से डिविजिबल नहीं होते हैं, 1, 3, 5, 7 डेसेस आदि। और प्राइम नंबर का मतलब यह होता है कि ऐसे नंबर जो ओनली यानी वन और सेल्फ के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं, आपके प्राइम कहलाते हैं। तो इसमें आपको 2 को याद रखना है, 3 को, 5 को, 7 को, ये सारे क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर होते हैं। और अगर हम कंपोजिट की बात करें तो ऐसे नंबर जो आपके क्या होते हैं यानी इन मतलब वन और सेल्फ के अलावा अदर नंबर से भी अगर जो डिविजिबल होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं, आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास हो गया 4, 6, 8, 9, 10, ये सारे सारे के आपके पास कंपोजिट नंबर है। तो ये आपकी होगी ये नंबर की टेबल। इसके अलावा देखो कुछ बातें आपको और याद रखनी है, देखो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। तो उन बातों को देखिए आप, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा ये। तो देखो बच्चों, मैंने भी आपको ये नंबर के बाद जो टेबल वो समझा दी है। अब देखो कुछ बातें और जान लो, जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर का मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास मतलब रेशनल और इरेशनल इन सारे नंबरों का जो ग्रुप होता है यानी केवल इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके बाकी सब जो ग्रुप बनता है वो क्या कहलाता है, आपका रियल नंबर कहलाता है। यानी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, रियल नंबर। यानी इसमें आपके वो सारे नंबर आ गए जो चाहे आपके रेशनल हो या इरेशनल, ठीक है ना। उसके बाद देखो डिविजिबल नंबर मैंने आपको बता दिया, कंपोजिट नंबर आपके कौन से, जो आपके नंबर वन और सेल्फ के अलावा अदर नंबर से भी क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, यानी दोज नंबर आर डिविजिबल बाई वन एंड सेल्फ, यानी दोज नंबर आर डिविजिबल बाई अलोंग, लिख दो आप यहाँ पर अलोंग, यानी अलोंग वन एंड सेल्फ, वन एंड सेल्फ अलोंग अदर नंबर, अदर नंबर। यानी और वन और सेल्फ के अलावा अदर नंबर से जो डिजिटल होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। यानी एग्जांपल के स्वरूप मान सकते हैं आप, जैसे मान लो कि 4, 6, 8, 9, 10 ये नंबर सारे आपके, और प्राइम मैंने आपको बता दिया अभी, वे नंबर जो आपके क्या होते हैं केवल सेल्फ और वन से ही डिविजिबल होते हैं, यानी दोज नंबर आर, दोज नंबर आर डिविजिबल ओनली, डिविजिबल ओनली वन एंड सेल्फ, यानी केवल वन और सेल्फ से जो डिविजिबल होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं, आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। इनके बारे में देखो आप मान सकते हैं जैसे 2, 3, 5, 7 डैश डैश ये नंबर सारे। और देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो आपके मतलब जिनमें वन के अलावा कोई भी नंबर आपका है उनमें जो वन के अलावा किसी भी नंबर से दोनों क्या आपस में डिविजिबल नहीं हो, ऐसे नंबर क्या होते हैं आपके, यानी को प्राइम नंबर कहलाते हैं। यानी दोज नंबर आर नॉट ए, नॉट एनी कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल अपार्ट अपार्ट वन, यानी वन के अलावा आप उसके पास क्या हो, कोई भी ऐसा कॉमन मल्टीपल नहीं हो जिससे दोनों क्या हो डिविजिबल। जैसे आप ऐसे मान सकते हैं लाइक मैंने मान लिया पर 9 एंड 16, ये नंबर दोनों क्या है, ऐसे नंबर है जिनमें अगर कॉमन मल्टीपल की बात क्या होता है केवल ओनली वन आता है, वन के अलावा इनका कोई भी कॉमन मल्टीपल है वो नहीं आता है। अब देखो इसके बाद में आपको आइडेंटिटी जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसके बारे में देखो आपको याद रखना है। इसका मतलब ऐसा नंबर जिसमें अगर आप 0 ऐड करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या हुई, आइडेंटिटी इनवर्स है। और आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब भी ये होता है, मतलब वो नंबर आपको सेल्फ प्राप्त होगा, यानी ऐसा नंबर जिसमें अगर आप 0 जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, सेल्फ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 0 क्या कहलाएगा, इसका आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी वो कहलाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह अगर आप इसमें एडिटिव इनवर्स की बात करें तो भी आप जानते हैं कि आपके पास क्या आना चाहिए, ए प्लस अगर आप 0 करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ए। तो यहाँ पर जो इसका एडिटिव इनवर्स वो क्या हो जाएगा,
जैसे ए का क्या हो गया, माइनस ए हो गया यार फिर, ठीक है ना। इसको आप अगर आगे लिखोगे तो ए प्लस माइनस ए बराबर क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पर माइनस ए क्या कहलाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। इसी तरह अगर आप बात करें किसकी, मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे, तो देखो मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसको अगर आप उससे मल्टीप्लाई करें तो आपको वापस वही नंबर प्राप्त हो। जैसे मान लो मेरे पास है ए इंटू वन, तो मेरे पास क्या आएगा, ए आएगा। तो वन यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी हो गया है। और उसके बाद देखो ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सेम, और उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो अगला पॉइंट आता है मल्टीप्लेटिव इनवर्स आता है। यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं है, मल्टीप्लेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लेटिव इनवर्स। इसका मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसको आप उस नंबर के साथ अगर मल्टीपल करते हो तो आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, वन प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसा नंबर क्या कहलाता है आपका, मल्टीप्लेटिव इनवर्स कहलाता है। जैसे ए इंटू बी इक्वल क्या आएगा मेरे पास, वन। तो ये शर्त अगर वो पालन कर रहा है तो नंबर क्या कहलाएगा आपका, मल्टीप्लेटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे नॉर्मल सी बात है, जैसे मेरे पास मान लो टू है, अगर मैं टू को वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या कहलाएगा, ये प्रवर प्राप्त होगा आपको। तो ये वन अपॉइंट टू क्या हो गया इसका, मल्टीप्लेटिव इनवर्स हो गया है टू का, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नंबर जिससे मल्टीपल करने पर आपके पास क्या प्राप्त हो, वन प्राप्त हो, तो वह नंबर क्या कहलाएगा उसका, मल्टीप्लेटिव इनवर्स कहलाएगा। उसके बाद देखो मैंने इमेजिनरी नंबर बताया था आपको। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो आपके रियल नहीं हो वो क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर। जैसे मान लो आप इसमें मान सकते हैं कि जैसे मान लो रूट माइनस टू है, या रूट माइनस थ्री है, या मान लो टू प्लस आइटा है, ये सारे क्या होते हैं आपके, इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने यहाँ तक पढ़ा है। अब देखो कुछ ऐसी बातें आपको ध्यान रखनी है जिसके बारे में आपको क्या सोचना है। जैसे एक तो जैसे मान लो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये आपको वैसे नॉर्मली ध्यान रखनी है। इसमें एक तो ध्यान रखना जो आपका टू होता है ना, टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर बस ओनली बात नहीं, क्या होता है टू होता है। टू के अलावा कोई भी आपका प्राइम नंबर है वो इवन नहीं होता है। दूसरी बात वन होता है, वन इज नॉट प्राइम एंड नॉट कंपोजिट नंबर। जो आपका वन होता है वो न तो प्राइम नंबर होता है और न ही कंपोजिट नंबर होता है। तो ये बात भी आपको इसलिए क्या करनी, ध्यान में रखनी है। तो ये दो बात रखोगे आप, एक तो जो दो होता है वो ओनली क्या होता है, इवन प्राइम नंबर होता है। इसके अलावा साथ में जो वन होता है, वन इज नॉट प्राइम एंड नॉट ए कंपोजिट। जो वन होता है वो न तो प्राइम की काउंटिंग में आता है और न ही कंपोजिट नंबर की काउंटिंग में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने यहाँ पर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। ये सारी बातें आपको अभी इनको ध्यान में रखना है। बाकी बातें हम अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें करेंगे। तब तक के लिए आपको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, धन्यवाद।